लास्ट बाइनेंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट आया था मैंने आपके साथ शेयर किया था NFP का, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ था लेकिन उसका ICO बाइनेंस के ऊपर ही था। और हमें ये कॉइन लगभग एक दिन पहले मिल गया और ये कॉइन मैंने आपको शेयर भी किया था कि मेरी कितनी ज्यादा अर्निंग थी और कॉइन लिस्ट होते ही हमने सही प्राइस पे सेल भी कर दिया और अभी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लगभग 6800% से भी ज्यादा इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। सिमिलरली अगर आपने AI प्रोजेक्ट मिस कर दिया तो अभी बाइनेंस के ऊपर एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ गया स्लीपलेस AI का, तो यहाँ पे हमें 2-3 फायदे मिलने वाले जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बता देता हूँ कि ये सारे के सारे कॉइन्स जो आपको मिल रहे हैं टोटली फ्री मिल रहे हैं, तो मुझे NFP 160 शायद फ्री मिले थे और अभी ये स्लीपलेस AI कितने मिलते हैं ये भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे के सारे फ्री कॉइन्स मिलते हैं और यहाँ पे जो फार्मिंग आ रहा है फार्मिंग का पीरियड है सिर्फ एक हफ्ते का ही है। पहले हमने NFP को फार्म किया था लगभग एक हफ्ता और फार्म करने के बाद हमें NFP मिला था। अभी फार्मिंग चल रही है स्लीपलेस AI के लिए, इस कॉइन का नाम ही AI है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये भी AI का चल रहा है जिसकी वजह से AI बेस्ड कॉइन्स वैसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस कॉइन को समझेंगे, इसमें आपको फ्री में कैसे मिलने वाले बाइनेंस के ऊपर वो भी समझेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि BNB में मैंने आपको बताया था कि BNB को बाय कर लो, तब इसका प्राइस चल रहा था लगभग $240 के आसपास, तो अभी हम ऑलरेडी $50-60 के प्रॉफिट में ऑलरेडी BNB में। तो ये क्यों हो रहा है, इसमें आगे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने टॉप 5 एक्सचेंज बेस्ड कॉइन बताए थे तो वो वीडियो जाकर चेक जरूर करें क्योंकि लगभग सारे कॉइन्स ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। तो वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉल्टेड डिस्कस के नाम से हमारा ग्रुप भी है उसके ऊपर आ सकते हैं जहां पे आप मुझसे पर्सनली सवाल जवाब करके आप किसी भी चीज का आंसर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं BNB के ऊपर कि BNB इतना ज्यादा पंप क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है यहां पे जो भी लॉन्च पूल्स चल रहे हैं। तो BNB आपको मैंने बाय करने के लिए कहा था लगभग $240 के आसपास और अभी इसकी वैल्यू $310 से ऊपर चल रही है, यानी कि हमने $60-70 का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर लिए। लेकिन हो सकता है कि आपने ये $230 के आसपास भी लिया हो, यानी कि $70 से भी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो BNB हमेशा बाय करके रखें, यहाँ पे कारण कई सारे हैं क्योंकि BNB एक बेस्ट एक्सचेंज का कॉइन है, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा एक कि चाहे इसके ऊपर लॉ सूट चल रहे हैं लेकिन हमेशा बाइनेंस बिल्कुल सही रहे, लीगल तौर तरीके से ये हमेशा सही चलता है चाहे भी कोई भी नेशन हो, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इन्होंने हमेशा कंप्लाई किया है। अब अगर हम बात करें इसका प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहा है, पंप क्यों हो रहा है, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो जो सलाना है तो सलाना ने बहुत कोशिश करी और सलाना $48 बिलियन के आसपास अपना मार्केट कैप ले आया है, जिसकी वजह से सलाना अभी भी टॉप सेकंड बेस्ट ऑल्टकॉइन है, आफ्टर इथेरियम सोलाना ही चल रहा है और उसके बाद है BNB, पहले BNB की पोजीशन थी इथेरियम के बाद। अभी BNB दोबारा से ट्राई कर रहा है, $47 बिलियन के आसपास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे जो बैटल चल रहा है BNB और सोलाना में चल रहे हैं, इन दोनों में बैटल की वजह से ही इनका मार्केट कैप ऊपर जाएगा और दोनों की वैल्यूज भी बहुत ऊपर जाने वाली हैं जो कि लगातार ऊपर नीचे चलती रहेंगी। एंड ये एक कारण सोलाना का भी है कि सोलाना क्यों $110 से ऊपर जा चुका है, तो हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, तो दोनों कॉइन्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोलाना का भी आपको मैं डिटेल में कई बार बता चुका हूँ, BNB का भी कई बार बता चुका हूँ। अब BNB का यहाँ पे एक कारण तो मैंने ये बता दिया, दूसरा है कि जहाँ पे जो लॉन्च पूल्स आते हैं, लॉन्च पूल्स आने की वजह से BNB हमेशा स्टेक रहते हैं। पहले एक हफ्ते का आया था, अभी एक हफ्ते का फिर से आ गया स्लीपलेस AI का लॉन्च पूल आ गया, अब यहाँ पे फिर से BNB की स्टेकिंग चलने वाली है। जितनी ज्यादा BNB को बाय किया जाएगा स्टेक करने के लिए तो यहाँ पे वो लॉक्ड ही रहने वाले हैं, चाहे ये फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं यानी कि कोई भी इसको रिडीम भी कर सकता है लेकिन फिर भी ये हर कोई यहाँ पे स्टेक करता है, स्टेक एक सेंस में यहाँ पे लॉक्ड ही रहता है। लॉक्ड होने की वजह से क्या कि BNB की वैल्यू बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा BNB को लगातार बाय भी किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखोगे 24 आवर्स का, ये भी 50% से ऊपर जा चुका है, मार्केट कैप ऑलरेडी 7-8% ऊपर जा चुका है। तो ये सब कुछ तो था BNB के बारे में। अब BNB अगर आपने बाय किया है तो वहां से BNB अपना तो प्रॉफिट दे ही रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसी से हमने और भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। वो कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे लॉन्च पूल्स आते रहते हैं, यानी कि कोई कॉइन ऐसे होते हैं जो लिस्ट नहीं हुए होते। तो यहाँ पे जो स्लीपलेस AI के नाम से प्रोजेक्ट है इसके फॉलोअर्स देखोगे आप 52.7K के आसपास फॉलोअर्स हैं, यानी कि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर इन्होंने बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग करवाई, इसके ऊपर लॉन्च पुल आया, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो AI बेस्ड कॉइन है, दूसरा ये कि ये BNB चेन के ऊपर है और लॉन्च पुल के ऊपर भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका जो डायरेक्ट लिंक है ये NF प्रॉम्प्ट के साथ भी, यानी कि NFP के साथ भी। आप यहाँ पे एक ट्वीट चेक कर सकते जो कि कुछ घंटे पहले डाला गया था। तो स्लीपलेस AI भी हम फ्री में यहाँ पे अर्न करने वाले हैं। जो NFP है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू $1.8 के आसपास बाइनेंस के ऊपर गई थी, वैसे जनरली अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हो तो ये $1.2 के आसपास गई थी।
तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, चाहे फ्री के कॉइन मिले, फ्री के कॉइन्स ने भी इतना अच्छा प्रॉफिट दे दिया। और इसकी सप्लाई भी बहुत कम है, सिर्फ 1 बिलियन कॉइन्स की सप्लाई है। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत क्वांटिटी पड़ी है, आने वाले समय में यही कॉइन आपको और भी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। अब हम चलते हैं स्लीपलेस एआई के ऊपर। स्लीपलेस एआई आपने कैसे यहाँ पे लॉन्च पूल में एंटर करना है, बाइनेंस के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपको लॉन्च पैड दिखेगा, लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक करते हो तो लॉन्च पूल दिख जाएगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लेफ्ट साइड में आपका जहाँ पे नाम दिया हुआ है बाइनेंस ऐप का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर क्लिक करो, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको अर्न दिखेगा, अर्न के ऊपर आप लॉन्च पैड देखोगे, लॉन्च पैड में यहाँ पे लॉन्च पूल दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा फायदा हमें ये होने वाला है कि स्लीपलेस एआई का जो प्रोजेक्ट है अभी तक इसके ऊपर नहीं आया, यानी कि बाइनेंस के ऊपर सिर्फ आया है। आप यहाँ पे स्टेक अभी से ही कर सकते हो, लेकिन बात यह कि ये अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका जो लॉन्च पूल है अभी शुरू होने में लगभग 10-11 घंटे पड़े हैं, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, और लिमिटेड यहाँ पे होल्डिंग्स ही बनाई जा सकती हैं। तो स्लीपलेस एआई के ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे आपको तीनों पूल्स मिलने वाले हैं, बीएनबी पूल, टीएसडी पूल, एफडीएसडी पूल। तो आपने बीएनबी बाय किया हुआ है तो उसको बाय किया हुआ है यहाँ पे स्टेक भी कर दो, क्योंकि उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली है, उसकी वैल्यू वैसे ही लगातार बढ़ रही है। बीएनबी को स्टेक करो, उसका फायदा उठाओ, उससे आपको एआई कॉइंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इसको बोला जा रहा है कि वेब 3 प्लस एआई गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तीनों चीज़ें आ गई, यानी कि वेब 3 भी है, एआई भी है, गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। दूसरा है कि अगर आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा है तो उस स्टेबल कॉइन को TUSD में कन्वर्ट कर लो, या फिर FDUSD में कन्वर्ट कर लो, बाइनेंस के ऊपर ही वहाँ पे कन्वर्ट करके इसको स्टेक कर दो इसी लॉन्च पूल के ऊपर। तो यहाँ पे लॉन्च पूल के ऊपर आपने सिर्फ स्टेक करना है और आपका एक रुपया भी नहीं लग रहा, और उसी में ही आपको यहाँ पे फ्री में कॉइन्स मिलने वाले हैं। अगर हम इनके वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, स्लीपलेस AI यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनकी एक ऑलरेडी कैंपेन चल रही है जिसमें फ्री में NFTs ये देने वाले हैं। यहाँ पे हिम और हर दिया गया है, चूज वन आपने करना है। तो ये स्टेप्स आप खुद भी अपने आप से ही फॉलो कर सकते हैं। और इनकी ऑलरेडी APK ऐप भी यहाँ पे बताई जा रही है कि जो ऑलरेडी आ चुकी है, और ये APK ऐप है, यानी कि एंड्रॉयड के लिए ऐप इनकी आ चुकी है। और डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी कितने दिन के फॉलोअर्स है, चाहे डिस्कॉर्ड हो, चाहे टेलीग्राम हो, ट्विटर हो। और जेनेसिस NFTs की सेल करने वाले हैं, एयरड्रॉप की भी इनका चल रहा है, वोटिंग कैंपेन चल रहा है, यानी कि होल्डर्स जो है NFP के, NFP आप अगर आपने होल्ड किया, यहाँ पे वोटिंग भी आप कर सकते हो। तो इनके जो पार्टनर्स है इसमें बाइनेंस लैब्स है, फोलिस वेंचर्स है, फॉरसाइट वेंचर्स है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे ऑलरेडी ये दिख रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर आपको कुछ ही कॉइन्स क्यों ना मिल जाएं, तो वो भी कॉइन्स आपके लिए बहुत बड़ा एसेट प्रूव करने वाले हैं। यानी कि आप इन कॉइन्स को, आप BNB को स्टेक करो, FTSTs, TUSD को स्टेक करो, पूल में स्टेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक हफ्ते तक लगातार AI कॉइन्स मिलते रहेंगे। उन कॉइन्स को जैसे लिस्ट होगा यहाँ पे, हमें एक अच्छे प्राइस पे ट्रेड करने का, सेल करने का मौका मिल सकता है। तो ये ऐसे लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स जब भी आते हैं मैं आपको अपडेट तो करता हूँ, लेकिन कभी भी इनको मिस मत करो, क्योंकि ये एक बिल्कुल फ्री के कॉइन्स हैं। फ्री के कॉइन्स जितने भी मिले उनका फायदा ही फायदा है। जैसे कि आज मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टे करके रखा हुआ था, और फ्री में ही ये कॉइन्स मिले और फ्री में ही एक इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर स्टेक कैसे करना है, ये थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता दो, या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।